कांटों का मुकुट गुथा और उसे उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उनके सामने घुटने टेकते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, यहूदियों के राजा को प्रणाम। उन्होंने यीशु पर थूका, सरकंडा लिया और उनके सिर पर मारते रहे। उन्होंने बैंगनी वस्त्र उतारा, उनके अपने कपड़े पहनाए और क्रूस के रास्ते पर हो गए। माता मरियम जानती थी एक माँ के अंतर्बोध से कि उनका पुत्र बहुत पीड़ा में है। माँ मरियम ने हर कोड़ा सहन किया, हर एक कांटा महसूस किया और अपने प्रिय पुत्र पर चिल्लाए जाने वाले हर एक घृणित शब्द को सुना। इतनी नफरत के सामने प्यार ही मात्र विकल्प था, वह केवल दया ही दिखा सकती थी। जब वो और उनका पुत्र इतनी घृणा व नफरत झेल रहे थे, इन सभी बुराइयों को उन्होंने अपने निष्कलंक हृदय में परिकृष्ट किया और केवल दया ही संसार को दे दी। हमारे अपने जीवन में किसी दूसरे द्वारा मजाक बनाया जाना सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक है। ऐसी बातों का विरोध करना एक सामान्य बात है, लेकिन हमें धन्य मरियम के शांत हृदय का अनुसरण करना चाहिए। आज हम माँ मरियम की भावनाओं पर विचार करें और उनके आंतरिक अनुभवों पर चिंतन करें, क्योंकि वह अपने पुत्र के अपमान उपहास की साक्षी है। विशेष रूप से उन अनुभवों पर जब दूसरों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। जान लो कि धन्य कुमारी मरियम आपके इस क्रूस में आपके साथ खड़ी है। हे निष्कलंक मरियम, मेरी निष्ठावान और प्यार करने वाली माँ होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मैंने अपने जीवन के दुखों में अनुभव किया है कि आप मेरे साथ हमेशा रहती है, मैं अपने हर घाव में आपका अनुभव करता हूँ। आपके प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।